हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आपका मेरे सोचती अनिल ब्लॉग में। तो यहाँ सुबह सुबह का समय है, हम बैंगन और टमाटर पका चुके हैं क्योंकि हमको बनाना था हस्बैंड के लिए नाश्ता, तो सोचे बैंगन और टमाटर का चोखा बना देते हैं। और यहाँ झींगा चना दाल और आलू की सब्जी भी बनानी थी। तो सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी होता है, नाश्ता बनाना होता है, टिफ़िन बनाना होता है क्योंकि ये टिफ़िन लेके जाते हैं। तो इसीलिए सुबह सुबह हम यहाँ पे बैंगन को छील रहे हैं और फिर बैंगन छीलने के साथ साथ इधर हम जल्दी जल्दी से झींगा को भी काट लेते हैं। हमारे यहाँ से झींगा बोलते हैं बहुत लोग, तो बहुत अलग अलग नाम से ये बोलते हैं पर हमको याद नहीं आ रहा है किस किस नाम से हम सुने हैं। तो बस वही, हम अभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं और सुबह उठ के कुछ भी नहीं किए हैं क्योंकि आज उठने में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा बाल बाल बिखरा हुआ है। और इधर हम मसाला भी पीस ले रहे हैं। मसाले में हम ले लिए थे इधर मिर्च और लहसुन और अदरक, ये सब मसाला। बस हम मिर्च लहसुन और अदरक ही पीसते हैं क्योंकि उसके बाद बाकी का मसाला जो है वो हम पाउडर रखते हैं, तो बस वही पाउडर ही देते हैं। और साथ में टमाटर भी पीस देंगे, इससे सब्जी जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो जरूर सुबह सुबह क्या होता है कि हड़बड़ी में एकदम काम करना होता है, बाबू भी उठ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है काम करने में, पर क्या करें, किसी तरह तो मैनेज करना ही होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर दादी आ गई तो उनके लिए हम चाय छान के रखे थे, तो उनको जा रहे हैं चाय भी दे देंगे। दादी यहाँ पर कभी कभी, मतलब सुबह सुबह हम लोगों के घर में सबका आदत होता है कि चाय पीना, तो इसीलिए यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह चाय पीने के लिए उठ जाते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम चाय बना लिए थे और इधर जल्दी से चना दाल मिक्स कर दिए गाइस। और यहाँ पे सुबह उठने के बाद कुछ भी नहीं कर पाए थे, झाड़ू भी नहीं लगाए थे, अभी पोछा भी नहीं लगाए थे। बस सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं क्योंकि सोचते हैं अगर नाश्ता बन गया तो फिर बाबू भी उठ जाएगा तो फिर उतना दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए मौसम बहुत ही अच्छा था गाइज और बहुत तेज़ हवा चल रहा था, धूप आज कम निकला था तो गर्मी भी नहीं लग रहा था, वरना किचन में काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों के लिए गर्मी के दिन में काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, आप लोगों को पता ही है। जो जो लोग किचन में काम करते हैं उन्हें पता ही होगा कि गर्मी के दिन में किचन में कैसा लगता है। तो यहाँ पे हम रोटी बना ले रहे हैं, ज़्यादा रोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि जितना ये खाएंगे बस उतना ही रोटी बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को बनाना था आलू पराठा। तो मेरे हस्बैंड को आलू पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए हम उनके लिए रोटी बना ले रहे हैं। और यहाँ रोटी और सब्जी और बैंगन का चोखा, बैंगन टमाटर का भरता बनाए थे, तो बस वही सब देख के पैक कर दिए हैं। और इनको बोले कि आप जब जाइएगा तो याद से टिफ़िन लेते जाइएगा। तो हम टिफ़िन का जो बॉक्स होता है वो खोज रहे थे, कहीं मिल नहीं रहा था कि अच्छे से पैक कर देंगे, तो वही फिर मिल गया तो इसको पैक करके उनको दे देंगे। तो यहाँ देखिए हमको टिफ़िन का जो कवर है वो मिल गया। तो इसमें से क्या होता है कि ये जो इस तरह का डब्बा होता है, टिफ़िन होता है, इससे अगर ग्रेवी वाली भी सब्जी रहेगी तो वो गिरती नहीं है। तो हमको इस तरह का डब्बा बहुत अच्छा लगता है टिफ़िन का, आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे देखिए बाबू का उसके बाद उठ गया था, फोटोशूट कर रहे थे चेयर पे बैठा के उठ गया था, उसके बाद ये थोड़ी देर बाद सो गया। तो यहाँ पे हम टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते फिर याद आया कि हमको किचन में कुछ काम है, तो बस यहाँ चल दिए किचन की ओर। किचन में गए तो गाइस वहाँ देख रहे हैं कि हम भात चढ़ा के भूल गए थे, तो बस वही हम भात को मार पसारने के लिए आए। तो फिर यहाँ सब्जी वब्जी दाल सब बन चुका था और आज बना था आलू भर के रोटी, तो नाश्ते में वही खाए हम लोग। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो बूढ़ी है सामने में, इसका घर यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है, इसका एक दिन आंधी आया था, यहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, इतना तेज आंधी था कि वो जामुन का पेड़ गिर गया, बहुत लंबा चौड़ा पैर था लेकिन कैसे गिर गया, एकदम आंधी में बहुत ख़राब भी लग रहा था, एकदम सूना सूना सा कुछ लग रहा था। और यहाँ पे रूम वूम नहीं समेटे थे अभी, और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम हो गया था, हम लोग शाम में घूमने सोचे चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो बस इनको बोले कि चलिए आज घूमने चलते हैं बाहर, तो बाहर तो मतलब घर से थोड़ी दूर पर मेरी ननद का घर बन रहा है, तो वहीं पर हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे। तो ये पीछे वाले गेट से जा रहे थे गाइस क्योंकि आगे वाले गेट में से थोड़ा दूर पड़ता है, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो पीछे वाले गेट से चलते हैं। तो बस यहाँ पे हम दरवाज़ा लगा रहे थे और नीचे वाला जो कुंडी होता है वो लगाने का कोशिश कर रहे थे पर नहीं लग रहा था ठीक से, तो फिर हम छोड़ दिए। और फिर यहाँ बाबू को भी आज साथ लेके जा रहे थे क्योंकि अकेले हम लोग सब आ गए थे तो उसको किसके पास छोड़ते, तो सोचे उसको भी चलो अच्छे से तैयार कर दे रहे हैं, टोपी वोपी पहना दिए और थोड़ा तेज़ हवा चल रहा था इसलिए टोपी भी पहना दिए। तो यहाँ देखिए कैसा लग रहा है बाबू टोपी में, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो है, हाँ बहुत अच्छा मौसम था, घर अभी सब मेरे मोहल्ले में जो सब तरफ घर नहीं बना, और यहाँ पे दो तालाब है और हम लोग सैडो और लियो को भी साथ लेके आए थे, तो बस वो लोग अपना मस्ती कर रहा था गाइस। और फिर यहाँ देखिए लियो क्या कर रहा है, लियो सुसु कर रहा है, तो वहाँ पे वो अपना
जो भी उसका बदमाशी करने का है बस वही किए जा रहा था। और यहाँ पे जो है दीदी का घर है, मतलब अभी आधा अधूरा कंप्लीट हुआ है। ये जो बाथरूम का टंकी बन रहा है और वो पटरा बिछाया गया है ताकि उसके ऊपर ढलाई किया जाए। और यहाँ देखिए साइडों सबके ऊपर भूख रहा था। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर यहाँ पे साइडों जो है उसको कुछ मक्खी वक्खी दिख गया, बस वो उसी को खाने लग गया। तो खा नहीं रहा था, बस सूंघ के देख रहा था कि क्या है, मतलब क्या मरा हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर हम इसको बोले चलो अंदर चलो, तो भी अंदर आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ पे हम देखे कि भैया कुछ लाके रखे हुए थे। तो क्या था, तो ये सेवैया था जो अभी इफ्तारी पे लोग खाते हैं। तो भैया को किसी ने गिफ्ट किया था। ये सेवैया बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा गाइस। फिर यहाँ पे देखे हम आए, शाम का समय हो चुका था, तो सब लोग बोले चाय बनाओ। तो बस वही चाय बनाने के लिए जा रहे थे हम। चाय बनाने के लिए सबसे पहले सस्पेन ले लिए और यहाँ पे दिया दिखा तो उसको साइड कर दिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग जो है ना वो किचन में धूप जलाते हैं, इसीलिए वहाँ पे दिया रखते हैं। तो यहाँ पे चाय बस बनने ही वाला था, खोल गया था। तो इंडक्शन पे एक प्रॉब्लम होता है गाइस, अगर उसको हाई फ्लेम पे रखो तो वो एकदम से गिर के नीचे चला जाता है, और अगर लो पे रखो तो बस खोलेगा ही नहीं। तो कभी कभी हमको गुस्सा भी आता है कि एकदम से गिर जाता है, पूरा फैल जाता है, फिर क्या करे, काम भी उसी में करना है। तो इसीलिए उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पापा के लिए चाय छान लिए, क्योंकि उनका हमको चीनी बिना चीनी वाला चाय निकालना पड़ता है। तो बस उनका चाय निकाल के फिर चाय में चीनी डाल देंगे। तो हम लोग के घर में जो है कम ही मीठा पीते हैं सब लोग, ज़्यादा मीठा नहीं पीते हैं। ज़्यादा मीठा अगर कभी पड़ भी जाता है तो मेरे हस्बैंड गुस्साने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम चाय में चीनी डाल दिए हैं और अब चलेंगे चाचा सॉरी पापा जी का चाय देने के लिए। तो यहाँ पे पापा को चाय देने के लिए जा रहे हैं और देखिए यहाँ पे दे दिए चाय। और उसके बाद यहाँ देखिए बाबू जो है वो दादी के साथ खेल रहा है। तो ये दादी मतलब ये हम लोगों की दादी है, तो बाबू की पर दादी हो गई। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये बाबू की दादी है गाइस, ये पर दादी है उसकी। और यहाँ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा सन टैनिंग हो गया था, तो उनको बेसन और दही लगा दिए थे फेस पे। और उसके बाद शाम का समय हो गया था, इधर दूध बॉईल हो रहा था और फिर इधर सब्जी बना रहे थे। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताइएगा, और ढेर सारा प्यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम दूध और हॉर्लिक्स पी ले रहे हैं और बाबू को भी पिला रहे हैं, देखिए यहाँ उसको भी पिला रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग।